ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम विजडम हाउस स्कूल क्लास टू। आज आपका डे फोर का लेक्चर होगा, पेज नंबर 4-5 पे हम उसको उसके ऊपर बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर हम 6, 7 एंड 8 करेंगे और हमारा टॉपिक है नंबर एंड प्लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्ट हम पेज नंबर 4 पे चलते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेज नंबर 4 है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ प्लेस वैल्यू के लिहाज से, हाउ मैनी टेंस के कितने टेंस होंगे एंड हाउ मैनी वंस के कितने वंस होंगे, काउंट एंड राइट, उनको काउंट करना है, उनको राइट करना है। जैसे कि ये देखें, एक बॉक्स बना हुआ है पेंसिल का और इनमें 10 पेंसिल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 पेंसिल्स हैं और आगे कितनी अलग पेंसिल कितनी है, 1, 2 एंड 3, तो कुल हो जाएंगी 13। ये हमारे पास 13 उन्होंने कुल लिखा हुआ है। इसमें जो 3 राइट साइड पे होगा फर्स्ट फिगर, वो 10 वंस का होता है, और जो दूसरे नंबर पे जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि 1 आया हुआ है, वो 10 का होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखें, 2 बॉक्स बने हुए, तो ये 20 हो जाएंगे। और कितनी आगे एक्स्ट्रा पेंसिल कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेंसिल्स हैं, तो 2 कुल मिला के हो जाएंगी 26 वैल्यूज़। 26 वैल्यूज़ हमने पहले टोटल में लिखा, तो इसमें 6 होगा वंस और 2 होगा 10 की शक्ल में। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम इसके बारे में देखेंगे, तो 20 ये हो गया और 22 आ जाएगा, और हम 22 में यहाँ पर लिख देंगे, इसमें भी वंस भी 2 होगा और टेंस भी 2 होगा। इसमें देखें, 1, 2, 3, 4 4 10 10 की पेंसिलें हैं, उसके बॉक्स बने हुए हैं, तो 240 हो जाएगा, और 4 पेंसिल और हैं, तो 44। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वंस भी जो राइट साइड वाला होगा, पहला जो यूनिट होगा वो हमारे पास वंस होगा, और जो दूसरे नंबर वाला फिगर होगा वो हमारे पास टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो उसको सॉल्व करना है। इसमें से 6 है और 6 ही पेंसिल्स हैं, तो 66 आ जाएगा। इसमें से 6 भी 1 होगा और 1 ही 6 ही 10 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है, आपने इनका बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो बुक के ऊपर ही सॉल्व कर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 7 है, राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के मुताबिक लिखना है। जैसे कि पहली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 3 टेंस लिखा हुआ है एंड 6 वंस लिखा हुआ, तो इसको 36 में लिख देंगे। ऐसे ही अब बी पार्ट करते हैं, 0 10 है और 6 1 है, तो इसको लिख देंगे 0 और 6। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर सी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का, 5 10 है और 3 1s है, तो इसको लिख देंगे हम 53, और इसका 2 7 है तो 2 7 लिख देंगे, और इसका 8 0 है तो 8 0 लिख देंगे, इसका 9 9 है तो हमें वो लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आ गई है। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं, और इसको करने आपने सारे कंप्लीट ही हैं, ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चलते हैं, राइट इन वर्ड्स में लिखना है। ये लिखा 4 10 एंड 5 1, तो ये आ जाएगा 40, ये 45 बनेगा। इसको 45 को इंग्लिश में लिखना है, ये 45 को हमें इंग्लिश में उन्हें वर्ड्स में लिखा। अब आप आगे है 72, तो 72 होगा, तो इसको हम 72 में लिख देंगे, 72 में लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे है 39, तो 39 होगा, तो इसको 39 में लिख देंगे, 39 में लिख दिया। आगे है 84, तो 84 है, तो 84 को हम 80 और F और यू आर 4 में लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपका एक और काम है, टेबल हम करेंगे 2 का, मैं आपको उसको पढ़ाता हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, ये आपका टेबल 2 का है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 और 2 10s are 20। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं, मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। टेबल 2 का है, 2 1s are 2, 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 और 2 10s are 20। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, और जो पेज नंबर बाकी पेज नंबर 4 और 5 पे जितने भी क्वेश्चन, 6, 7 और 8 क्वेश्चन में जितने भी इन्वेंटर क्वेश्चन थे, उनको आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, और इसकी असाइनमेंट बना के स्कूल के नंबर पर व्हाट्सअप कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।